आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर मध्य प्रदेश। रीवा से बड़ी खबर, 120 एकड़ में स्थित ऐतिहासिक मनगवा का मलापुर तालाब को भरे जाने के लिए नागरिक मंच के संयोजक एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता लगातार अभियान के तहत काम कर रहे हैं। पहले 12 दिन तक तहसील प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठे, बात नहीं बनी तो नाहर में घुसकर सत्याग्रह किया और इसके बाद स्थानीय प्रशासन पहुंचकर मलकपुर तालाब में पानी भरे जाने के लिए दो बड़े मोटर पंप लगाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो पानी भरना बंद कर दिया। इस तरह की तमाम घटनाओं को लेकर नागरिक मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता सोमवार से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खाली मटका लेकर थाने पहुंचे। नेताजी मनगवा के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए सिर पर मटका लेकर थाने पहुंचे और जमा किए गए विरोध करते हुए कहा कि हम गांधीवादी तरीके से मलकपुर तालाब को भरे जाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। नेताजी प्रधानमंत्री के नाम मटके को लेकर थाने में जमा कराने पहुंचे और कहा कि प्रतिदिन इसी तरह का एक मटका थाने और तहसील में जमा करके गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। बताया जाता है कि मलकपुर तालाब का बड़ा इतिहास है। ये तालाब एक तरफ लगातार अतिक्रमण के घेरे में घिर रहा है तो दूसरी तरफ पानी सूख चुका है। नागरिक मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का गृहग्राम मनगवा है और यहाँ के विधायक पंचूलाल प्रजापति हैं। इन लोगों के द्वारा भी तालाब भरे जाने के लिए अनसुना किया जा रहा है और नहर का पानी तालाब में लाने के प्रयास नहीं हो रहे, जिसके कारण यहाँ का जल स्रोत लगातार कम हो रहा है। उन्होंने मांग की कि मलकपुर का तालाब नहर के पानी से भरा जाए, जिससे कि यहाँ का वाटर लेवल बढ़ सके और लोगों का जनजीवन प्रभावित होने से बच सके। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। थाना पहुंचे जमा करने, क्या है, क्या आपकी मांग? हमारी मांग ये है कि 22 मार्च से तहसील के सामने मैंने 12 दिन तक धरना दिया और उसके बाद मेरी मांग नहीं पूरी की गई तो मैं नहर में खड़ा हुआ। नहर में तो सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे, SDM पहुंचे, SDOP साहब पहुंचे, तहसीलदार, सभी लोग थे और मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है संयुक्त कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मलकपुर तालाब में हम पानी भरवाने का काम अभी करवाए देते हैं। मोटर लगाकर एक मोटर लगाया गया, पानी भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 दिन तक मोटर चला और नहर बंद कर दी गई। ये इतना घिनौना और भद्दा मजाक मेरे साथ हुआ इस न, और मैं ये उसमें मैंने सोचा कि जिला प्रशासन ने मेरी बात सुन ली है और खाली पड़ा जो मलकपुर तालाब है पूरी तरह से खाली है। ना यहाँ का कोई राजनेता, चाहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हो या विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति हो, ये लोग कोई भी इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब देखा कि ये बंद हो गया है तो मजबूर होकर के मुझे ये खाली घड़े का जो प्रतिबिंब है, ये मलकपुर तालाब सूखा हुआ मैं लेकर चला हूँ आज, और मैं रोज़ आकर के हर समय हर दिन यहाँ पर आकर के खाली घड़ा प्रत्येक मलकपुर तालाब का थाने में जमा करूँगा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए। ये मेरा दैनिक का काम होगा जब तक मलकपुर तालाब नहीं भरा जाएगा तब तक। और उसके साथ मेरी 8 मांगे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं, ये लगातार घड़ा इसी रोज़ मैं जमा करूँगा थाना मनगवा में और थाना मनगवा के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।